हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी क्लास ट्वेल्थ की जो केमिस्ट्री थी उसमें हमारे यूनिट सेवन चल रही थी। क्या यूनिट सेवन? तो आज की वीडियो में दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट एंड महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना हम कवर करने वाले हैं, जो है हमारा सल्फर के ऑक्सी अम्ल। क्या बोला मैंने? सल्फर के ऑक्सी अम्ल हम कवर करने वाले हैं। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, सल्फर के ऑक्सी अम्ल। ठीक है, तो सल्फर के ऑक्सी अम्ल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या है मेरे भाई? हमारी हेडिंग ये है सल्फर, सल्फर के ऑक्सी ऑक्सी अम्ल। हमारी हेडिंग ये है सल्फर के ऑक्सी अम्ल, ये हमारी हेडिंग है सल्फर। अब मेरे भाई सल्फर है ना, तो इस सल्फर के जो ऑक्सी अम्ल होंगे ये एक ऐसे यौगिक होते हैं। सल्फर के ऑक्सी अम्ल है मतलब यौगिक तो होने वाला है। तो ये सल्फर के ऑक्सी अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें सल्फर हो। क्या हो? सल्फर। ऑक्सी मतलब, ऑक्सी मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन हो। अम्ल, अम्ल मतलब, अम्ल कौन होता है? जो H प्लस दान करता है, जो H प्लस देता है वो क्या होता है? अम्ल। ठीक है, तो जिसमें क्या हो? H। सल्फर के ऑक्सी अम्ल का मतलब क्या हो गया? सल्फर के ऑक्सी अम्ल का मतलब हो गया ऐसे यौगिक जिनमें सल्फर, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन तीनों उपस्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं मेरे भाई सल्फर के ऑक्सी अम्ल। समझ गए ना? तो ध्यान रखना कि इन तीनों से बना हुआ जो यौगिक होगा वो ही आपका सल्फर का ऑक्सी अम्ल होगा। ठीक है, तो इससे पहले मेरे भाई हम जो सल्फर है, जिसके यौगिक हैं, उस सल्फर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें नहीं पता तो ऑक्सी अम्ल हम नहीं पढ़ पाएंगे। समझ रहे हो ना मेरे डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो सल्फर के बारे में जान लेते हैं मेरे भाई। ये है आपका सल्फर, ये है आपका क्या? सल्फर। ठीक है, सल्फर जो आपको जिस सल्फर जो होता है, इस सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ये गंधक भी बोलते हैं। इस सल्फर को हम क्या बोलते हैं? गंधक। इस सल्फर का यदि संकेत की बात करें तो इस सल्फर का संकेत ये होता है S। क्या होता है? S। ठीक है, सल्फर का संकेत क्या होता है? S, जिसका परमाणु क्रमांक मेरे भाई होता है 16। कितना होता है? 16। ठीक है, तो यदि इस 16 इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में भरें तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। और तीसरी कक्षा में 6। ऐसे ही भराएंगे, है ना? इस टाइप से ही भराएंगे। देखो, पहली कक्षा में 2, क्योंकि 2 ही भराते हैं। दूसरी कक्षा में कितने? 8। 8 ही भराते हैं। और तीसरी कक्षा में 8 भराते हैं, लेकिन 8 बचे नहीं ना। 8 और 2 10, और 6 16, क्योंकि 16 ही है इसका। तो तीसरी कक्षा में 16, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो तीसरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, वो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरे डियर स्टूडेंट इसलिए होंगे क्योंकि अंतिम कोश, संयोजकता कोश और पहला दूसरा अंतिम, अंतिम कोश कौन सा है? तीसरा। और अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसलिए 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। समझ गए ना? 6 को 8 बनाने के लिए, आगे 6 को आपको 8 बनाना है, या फिर आप ऐसे समझो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। इसलिए जो आपका सल्फर है, इस सल्फर की जो संयोजकता होती है, संयोजकता सल्फर की होती है, वो अधिकतम कितनी होती है मेरे डियर स्टूडेंट? कितनी होती है? 6 होती है। ध्यान रखना, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है, इसलिए सल्फर की अंतिम संयोजकता 6 होती है, क्योंकि ये 6 ही इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 6 संयोजकता इसकी हो जाएगी। क्लियर है? और ऋणात्मक में बात करें तो 6 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेगा तो लेने वाला कौन होता है? माइनस। अगर लेगा तो 2, तो ऋणात्मक में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2। और देने पे उतर आए तो ये 6 ही इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, और 6 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो अधिकतम संयोजकता इसकी कितनी बनेगी? 6 बनेगी। समझ गया ना मेरे डियर स्टूडेंट? इतना आपको याद रखना है। अब सल्फर, सल्फर मिलता कहाँ है तो ये चीज और बता दे रहा हूं आपका। जैसे लहसुन हुआ, क्या हुआ? लहसुन हुआ, ठीक है, आपका लहसुन हुआ,
आपका अंडा हुआ है ना, आपका जो ऊन होता है ऊन, इन सब में आपका जो है ना सल्फर मिल जाता है। और अक्सर आपने देखा है मेरे भाई, जो सल्फर है वो बारूद के रूप में यूज हो रहा है। बारूद, अभी आपने दीपावली के अवसर पर पटाखे फोड़े होंगे, उस पटाखे में जो बारूद होती है वो सल्फर की हेल्प से ही बनाई जाती है, इस गंधक की हेल्प से ही बनाई जाती है। तो इतना चीजों को आप याद रख रहे हो मेरे भाई। सल्फर की संयोजकता कितनी होती है? 6। इसलिए जो सल्फर है ना वो अधिकतम बॉन्डिंग कितनी रख सकता है? अधिकतम बॉन्डिंग सल्फर रख सकता है कितनी? 6। मतलब सल्फर के आसपास 6 बॉन्ड होती हैं। कितने बॉन्ड होते हैं मेरे डियर स्टूडेंट? 6 बॉन्ड होते हैं सल्फर के आसपास, ठीक है। और ऋणात्मक में संयोजकता कितनी? 2 होती है। ऋणात्मक में कितनी? 2। और धनात्मक में अधिकतम 6। इसलिए बॉन्डिंग कितनी हो सकती है इसकी? 6 बॉन्डिंग अधिकतम हो सकती है ना। और जरूरत पड़े तो 2 भी कर सकता है, क्योंकि माइनस में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है ना, तो जरूरत पड़े तो 2 भी कर सकता है ना, और अगर जरूरत पड़े तो 6 भी कर सकता है। तो इतना सब चीजें आपको क्लियर हो गई है मेरे डियर स्टूडेंट, तो आप आगे बढ़ो। अब और चीजें थोड़ा सा और समझ लो, ठीक है। और चीजों में ये समझना है, देखो ऑक्सीजन पे आपको पता है कितना चार्ज होता है? 2-। कितना होता है? 2-। मतलब ऑक्सीजन जो है ना वो 2 बॉन्ड रखेगा। कितने बॉन्ड रखेगा? 2 बॉन्ड रखेगा। चलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर मेरे भाई 1+ चार्ज होता है, इसलिए हाइड्रोजन 1 बॉन्ड रखेगा। कितना बॉन्ड रखेगा? 1 बॉन्ड रखेगा, ठीक है। इसके बाद OH की बात कर लो, तो OH पर मेरे डियर स्टूडेंट 1- चार्ज होता है। कितना? 1- चार्ज होता है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है मेरे डियर स्टूडेंट वो 1 हो, सॉरी बॉन्डिंग होती है वो 1 है ना। 2 था, 2 बॉन्डिंग, 1 था, 1 बॉन्डिंग, 1 था, 1 बॉन्डिंग, है ना। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 6। इसलिए इसकी बॉन्डिंग कितनी मेरे डियर स्टूडेंट? 6। इन चीजों को याद रख लो मेरे भाई, मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं फुल चीजें। आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे ऑक्सी अम्ल समझा दूंगा कि आप भूल नहीं पाओगे, भूलते भूलते भूल नहीं पाओगे मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है। बस मुझसे जुड़े है ना, और आपका 101% फायदा होने वाला है। शाम को 8:30 बजे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइव क्लास चलती है, उसमें आप जुड़े है ना, हर जगह आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। और अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट है ना 2 नंबर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चालू कर रहा हूँ, उसको भी जल्द ही है ना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों दिल से वीडियो को आप लाइक करो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो इन चीजों को आप समझ गए हो ना मेरे डियर स्टूडेंट, तो अब हम इनको हटा देते हैं, ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं सल्फर के ऑक्सी अम्ल। तो मेरे भाई सल्फर के ऑक्सी आम्ल पढ़ना है ना, तो आप 5 कॉलम कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो पहले कॉलम में आप क्या करोगे? आप हेडिंग डाल दो ऑक्सी आम्ल। पहले कॉलम में आप क्या डाल दो? हेडिंग ऑक्सी आम्ल है ना, ऑक्सी आम्ल का नाम, ऑक्सी आम्ल का नाम पहले कॉलम में, ठीक है। चलो दूसरे कॉलम में मेरे डियर स्टूडेंट आप हेडिंग डाल देना ऑक्सी आम्ल का सूत्र, ऑक्सी आम्ल का सूत्र है ना। और तीसरे कॉलम में मेरे डियर स्टूडेंट डालना है आपको हेडिंग संरचना, और चौथे कॉलम में आपको डालना है हेडिंग ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था है ना, ऑक्सीकरण अवस्था, ये हेडिंग सॉरी अपनी कॉपी में मेरे डियर स्टूडेंट इतने कॉलम बना लो। अब मस्त तरीके से इनको समझते हैं एक एक करके, आपको परेशानी कहीं नहीं आने देंगे मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला मेरे भाई मेरे डियर स्टूडेंट ऑक्सी अम्ल है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है। और जो सल्फ्यूरस अम्ल होता है मेरे डियर स्टूडेंट, इसका सूत्र होता है H2SO3, H2SO3, ये आपका सल्फ्यूरस अम्ल है, समझ गए ना। चलो मेरे डियर स्टूडेंट अभी मैंने आपको समझाया है जो चीजें, उन चीजों को तो आप याद रख ही रहे हो। एस, एस की बॉन्डिंग अधिकतम कितनी होती है? 6, मैंने अभी बताया था। मतलब एस के जो आसपास हैं वो कितने बॉन्ड हो सकते हैं? 6। अब आसपास 6 बॉन्ड होंगे, वो 6 बॉन्ड किसी भी तरीके से हो, आसपास इसके कितने बॉन्ड होंगे? 6 अधिकतम, ठीक है। चलो
इसके बाद आपका जो ओ है, ओ के आसपास कितने बॉन्ड होंगे? दो होंगे, ठीक है। एच के आसपास कितने बॉन्ड होंगे? एक होगा, ठीक है। ओ एच के आसपास कितने बॉन्ड होंगे? एक होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट, इधर लिख दे रहा हूँ, मेरे डियर स्टूडेंट, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अगर इतना आप याद रख रहे हो तो आप कभी नहीं भूल पाओगे इस चीज को, ठीक है। चलो अब हम जल्दी से इनको फिनिश करते हैं। हमें बनाना है संरचना। संरचना का मतलब ये होता है मेरे भाई, जो एच दो है, एस एक है, ओ तीन है, इनको पूरा पूरा ओपन करके लिख दो, पूरा पूरा खुला कर दो, समझ रहे हो ना, पूरा पूरा ओपन, पूरा पूरा खुला कर दो। कैसे? एक संरचना को आप समझो, है ना। टारगेट आपको कितना रखना है? एच की 6 बॉन्डिंग, ओ की 2, एच की 1, ओ एच की 1। इनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना इनसे कम होनी चाहिए, समझ गए ना। चलो देखो इधर संरचना मेरे भाई, एक सेकेंड। हाँ, एस कितना है? एक, तो आप लिख दो ये एस एक। ओ कितने हैं? तीन, तो एक ओ को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो यहाँ, एक ओ को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो यहाँ, ठीक है। चलो एक ओ को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो यहाँ, ठीक है। आपने कितने ओ चले गए? तीन ओ है, दो ओ चले गए, एक इधर और एक इधर। एस की बॉन्डिंग कितनी हो गई? दो और दो चार हो गई। हमें कितनी करना है एस की? 6। ओ की कितना करना है? दो। तो देखो ओ की दो, इस ओ की भी दो, ठीक है। अब हमारे पास एक ओ बचा है, एक ओ बचा है, दो ओ चले गए, एक ओ बचा है और एक एच। तो एक एच को आप इधर जोड़ो, एक एच को आप इधर जोड़ो, ठीक है। तो ये एच, एक एच चला गया। अब हमारे पास एक एच और एक ओ बचा है, ठीक है। तो एक एच और एक ओ, ओ को अब अलग नहीं जोड़ सकते, है ना। तो आपको, है ना, देखो देखो इसकी बॉन्डिंग कितनी हो गई? दो चार पांच छह हो गई ना। और एक बॉन्ड के साथ कौन जुड़ जाएगा? ओ और जो एच है उसको मिला के जोड़ दो, ठीक है। तो ये जोड़ दिया हमने ओ और एच। देखो ओ तीन थे, एक दो तीन, एच कितने थे? दो, एक दो। डियर स्टूडेंट समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, अभी और संरचनाओं को बनाना। बस आपको इतना याद रखना है कि इनकी बॉन्डिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एस की 6 है, दो चार पांच छह, एच की एक एक ही है, ओ एच की एक एक ही है, ओ की दो इधर दो है, ओ की दो इधर दो है। अकेला ओ नहीं जोड़ सकते थे, क्योंकि अकेला ओ जुड़ता तो डबल बॉन्ड से जुड़ता, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो अब आ जाओ ऑक्सीकरण अवस्था में। तो ऑक्सीकरण अवस्था मेरे डियर स्टूडेंट किसकी निकालनी है? एस की। किसकी? एस की। तो देखो मैं यहाँ निकाल के बता दे रहा हूँ, एच की कितनी है? एच की कितनी है? एक, है ना। तो एक होती है, कितने एच है? दो। एक से एक की संयोजकता लिखने के बाद एक प्लस लगाओ, तो एक प्लस लगा दिया। एस, एस की तो निकालनी है, तो उसको मानो एक्स, है ना, फिर प्लस लगाओ। ओ की कितनी होती है? माइनस दो, ओ पे दो माइनस होता है ना, ठीक है। तो ये माइनस दो और कितने ओ है? तीन, बराबर आप क्या कर देना? जीरो, क्योंकि पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, तो ये जीरो कर दिया। इनका गुणा कर दो, दो इधर प्लस इधर एक्स, ये कितना हो गया? माइनस छह, बराबर जीरो। छह में से दो जाए, कितने बचे? चार, बराबर जीरो। इसको इस तरफ ले आओ तो एक्स बराबर कितना आ गया? प्लस चार, है ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई मेरे डियर स्टूडेंट? प्लस फोर, ठीक है। चलो ये चीजें आपने 11th में सीख ली होंगी, ठीक है। चलो एक ऑक्सी अम्ल हो गया हमारा। अब हमारा दूसरा हमारा ऑक्सी अम्ल मेरे डियर स्टूडेंट है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। अब यहाँ पर केवल ओ हमारे पास कितने हैं? चार हैं। कितने हैं? चार हैं, है ना। तो बिल्कुल इसके जैसी संरचना बन जाएगी। देखो आप एस एक एक लिख दिया, है ना। ओ कितने हैं? चार। तो एक को आप डबल बॉन्ड से ऊपर जोड़ दो, एक को आप डबल बॉन्ड से नीचे जोड़ दो, ठीक है। एच कितने हमारे पास? दो। तो एक इधर और एक इधर। अभी देखो हमारे पास तीन ओ थे, तो इसके साथ ओ था, इसके साथ नहीं था, तो आप बस जो एक ओ एक्स्ट्रा हुआ है वो इस वाले एच के साथ जोड़ देना, संरचना बन जाएगी। तो यहाँ पर आप ओ एच जोड़ देना और यहाँ पर आप ओ एच जोड़ देना। ओ एच की एक, ओ एच की एक, ओ की दो, ओ की दो। एस की कितनी? चार। दो चार पांच छह, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है? संयोजकता निकालना है। एच की कितनी? एक इंटू दो। एस की निकालना है एक्स। ओ की कितनी? माइनस दो। कितने ओ हैं? चार इंटू चार, बराबर जीरो। तो दो प्लस एक्स, चार दूनी आठ, बराबर जीरो, है ना। आठ में से दो घटा दो, एक्स माइनस छह, बराबर जीरो। एक्स इस तरफ जाएगा छह, तो प्लस का छह, ठीक है। तो कितनी निकल गई मेरे डियर स्टूडेंट? प्लस छह, है ना। तो इस टाइप से मेरे भाई इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद मैं आपको याद करने के लिए एक क्रम बता दूंगा कि आपको किस टाइप क्रम से आपको याद करना है, ठीक है। अगला मेरे डियर स्टूडेंट हमारा ऑक्सी अम्ल है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, है
है ना, जिसका सूत्र होता है H2H2O3, H2H2O3। अब आपको ध्यान ये देना है कि O हमारे पास कितने हैं मेरे डियर स्टूडेंट, तीन हैं। कितने हैं? तीन हैं, S2H1। ठीक है, चलो देखो इधर हमारे पास S कितने हैं, तीन। तो एक S हमारा रहा ये, ठीक है, सुनो एक सेकंड, है ना, एक एस हमारा रहा ये, है ना, और दूसरा एस हमारा रहा ये। ठीक है, दोनों को मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ा, ठीक है, छह वैलेंस ही करूंगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास ओ कितने हैं, तीन। तो एक ओ को आप यहाँ जोड़ दो, एक ओ को आप यहाँ जोड़ दो। ठीक है, चलो अब हमारे पास ओ कितने हैं, तीन हैं। तो एक एच यहाँ जोड़ दो, एक एच यहाँ जोड़ दो। ठीक है, अब हमारे पास ओ एक और बचा ना, तो देखो ओ, ठीक है, और इधर से ओ, है ना। आप ध्यान से देखना, दोनों एस को जोड़ दिया है ना, बैलेंस ही देखो। इस फिर से बनाता हूँ, एक सेकंड, फिर से समझ लो आप। एस को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, दोनों एस को मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। तीन ओ है, एक ओ को डबल बॉन्ड से यहाँ, एक ओ को डबल बॉन्ड से मैंने यहाँ जोड़ दिया। तो एच कितने हमारे पास, दो। तो एक एच को यहाँ जोड़ दिया, एक एच को यहाँ जोड़ दिया। अब हमारे पास एक ओ और बचा, क्योंकि ओ हमारे पास तीन है, तो ओ यहाँ और यहाँ। ठीक है, एस की बैलेंस देखो कितनी हो गई, छह, दो चार पाँच छः। इसकी देखो दो चार पाँच छः, ओ की कितनी होती है, दो। तो इसकी दो, इसकी दो, इसकी एक इधर और एक इधर, एच की एक एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे डियर स्टूडेंट। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो। ठीक है, ऑक्सीकरण, एच की कितनी हो गई, एक की एच, तो एक की एक, तो दो की दो। एस की एक्स मान ले, है ना, एस कितने हैं, दो, तो ये दो एक्स, है ना। ये ओ की कितनी होती है, माइनस दो, और तीन है, तो ये माइनस छह बराबर जीरो। छह में से दो घटा दो, कितने बचे, दो एक्स बराबर माइनस चार बराबर जीरो, है ना। माइनस चार इस तरफ जाएंगे तो प्लस के चार, दो दूनी चार, है ना। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, प्लस का दो। तो प्लस का दो इसकी जो है ना ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी है मेरे डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हमारे तीन सल्फ्यूरिक, अम सॉरी, तीन हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट, फोर्थ हमारा ये है, जिसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना बना देते हैं। ठीक है, बिल्कुल, एस कितने हैं, दो, है ना। तो एस जो दो है हमारे पास, ओ कितने हैं मेरे डियर स्टूडेंट, सात है। तो आप क्या कीजिए, जो एस दो है उनको आप जोड़िए ओ से, क्योंकि ओ हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, ओ को जोड़ दिया। अब डबल बॉन्ड से यहाँ ओ जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड से यहाँ ओ जोड़ दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। एच हमारे पास कितने हैं, दो हैं। ठीक है, आप आगे क्या कीजिए मेरे डियर स्टूडेंट, आप क्या कीजिए, जो हाँ से बन रहे हैं, ठीक है, ये आप ओ एच जोड़ दीजिए। ओ एच की एक होती है ना, बिल्कुल, एक ओ एच आप इधर जोड़ दीजिए। कितने आपके ओ चले गए हैं, आप कहोगे कि सर हमारे ओ कितने चले गए हैं, एक दो तीन चार पांच चले गए हैं हमारे पास। ओ मेरे डियर स्टूडेंट कितने और बचे हैं, ओ मेरे डियर स्टूडेंट हमारे पास बचे हैं दो। कितने बचे हैं, दो। अब हमें दो ओ और जोड़ना है, कितने ओ और जोड़ना है, दो ओ और जोड़ना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना, दो ओ बचे हैं ना, तो दो ओ को आप कैसे जोड़ सकते हैं, देखो एक सेकंड। हाँ, तो दो ही ओ बचे हैं ना मेरे डियर स्टूडेंट। अब आपके देखो इसकी संयोजकता को देख गिनो, पहले दो तीन चार, इसकी देखो दो तीन चार, चार हुई है, हमें दो संयोजकता और चाहिए, और हमारे पास ओ कितने हैं, दो। तो आप क्या कीजिए डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड से यहाँ ओ जोड़िए और डबल बॉन्ड से यहाँ ओ जोड़िए। बन गया ना काम, बन गया ना काम, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, तो सात दूनी चौदह, सात दूनी कितनी हो गया, चौदह, चौदह में से दो जाएंगे बारह, यहाँ प्लस छह आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे डियर स्टूडेंट, प्लस छह आ जाएगी। ओके, चलो यहाँ पर देखो H2H2O8 की देख लो, एस कितने हैं, फिर भी हमारे पास दो हैं, तो देखो दो ओ हैं, सॉरी दो एस हैं, तो एस इधर, ठीक है, ओ से आप जोड़ दो, एस इधर। ओ आठ है ना हमारे पास, तो डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ो, डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ो। ठीक है, अब हमारे पास ओ कितने चले गए मेरे डियर स्टूडेंट, ओ मेरे पास छह चले गए। कितने चले गए, छह चले गए। अब हमारे पास कितने ओ और हैं, हमारे पास ओ है, सॉरी तीन चले गए, एक दो तीन,
अभी तो 5 बाकी हैं, तो क्या कीजिए मेरे डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आप और दिमाग चलाइए कि जो एस है ओ से दो ओ से जोड़ दो इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ सकते हैं, बैलेंस है, ओ भी बैलेंस, ओ की देखो एक दो, इसकी भी देखो एक दो, ठीक है। अब डबल बॉन्ड से यहां जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड से यहां जोड़ दीजिए, ठीक है, डबल बॉन्ड से यहां जोड़ दो, डबल बॉन्ड से यहां जोड़ दो, इस टाइप का ही, जैसे मैंने इसमें को तिरछे में जोड़ दिया, इसको डायरेक्ट नीचे जोड़ दिया। अब एच हमारे पास कितने हैं, दो, एक एच, एक एच, एच के साथ आप ओ एच जोड़ दो, एच के साथ आप ओ एच जोड़ दो, है ना। मैंने इस टाइप की संरचना बनाई, बैलेंस करती हूँ सबको, दो चार पांच छह सब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने संरचना बनाई आप उसी टाइप की बनाओ, आप इससे डिफरेंट भी बना सकते हो, आप इससे अलग भी बना सकते हो, बस इतना याद रखना है कि सबको बैलेंस रहना चाहिए। ओके ओके ओके, है ना, सबको बैलेंस रहना चाहिए, और इस टाइप से आप संरचना को तैयार कर सकते हैं। आप क्रम से याद करो, पहला आपका सल्फ्यूरस अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल पहला, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा थायो सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, और पांचवा आपका डाई सल्फ्यूरिक अम्ल या मार्शल अम्ल, मार्शल अम्ल बोल सकते हैं या फर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं। क्रम से याद करो, आपको हिचकने की जरूरत नहीं है, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, थायो सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल और पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र H2SO3, H2SO4, H2H2O3, H2H2O7, H2H2O8, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पूरा सब समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कंप्लीट कीजिए, जरूर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम बिल्कुल मिलेंगे फिर से, और लाइव क्लास लेना ना भूलें शाम 8:30 बजे, ठीक है। कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, अब आज से कंटिन्यू वीडियो मिलने वाली है, आप टाइम से देख लीजिएगा, शाम को 5 बजे वीडियो डाली जाती है। ओके मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच।